ये है ही हमारी बुआरी इतनी क्यूट, क्या करे तो अपने आप के भी नहीं सुनती है। सत श्री अकाल, वड़कम, आदाब, सुप्रभात, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान। आई होप आप लोग हो गए बढ़िया, मस्त और स्वस्थ, और आपकी ज्योति भी बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है, और फिलहाल के तो दूध ले जाने में व्यस्त है। आपको पता ना दूध देने कब जाती हूँ, जब हमारी सासू माँ मतलब हमारी मम्मा मतलब सासू माँ या मम्मी, आज हद मम्मी बोलती ना मैं तो मम्मी बोलूँगी, तो मम्मी जो अपने मायके जाती तब मेरी ये ड्यूटी लग जाती है दूध लाने की। तो फिलहाल के लिए पकड़ लिया है दूध का डोंगा। क्या क्या बोल रही हूँ यार, सुबह सुबह इससे आप समझ सकते हो कि आज मैं कितनी जल्दी हो रही हूँ और क्या से क्या बोल दे रही हूँ। तो ना अभी हो रहा है 6 और आपको पता है बच्चों का भी स्कूल आज से जल्दी है, तो आज से हम जल्दी उठेंगे। भाभी तो 5 बजे उठ गई थी और मैं तो मतलब 6 बजे उठी हूँ, जस्ट 6 बजे, और सीधे दूध लेने ही आई हूँ। तो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह बहुत जल्दी बन चुका है और अब मैं चलती हूँ दूध ले जाने। और देखिए आपको लग रहा होगा ना इस उजाले से कि 7 बज गए, बिल्कुल गलत, आजकल 6 बजे इतना ना रोशनी हो जा रही, 6 बजे इतना ज़्यादा वो हो जा रही है, धूप हो जा रही है। आपको तो लग ही रहा होगा ना ज्योति बेचारी यार जल्दी उठ गई तो कैसे क्या गड़बड़ से गड़बड़ बोल रही है, क्या करें यार जिंदगी यही है। जाती हूँ दूध लाने, ओके एंजॉय। तो फ्रेंड्स मैं घर पहुंच चुकी हूँ और घर पहुंचते ही मुझे मिल चुकी है गर्मा गर्म चाय, तो मैं आपको सभी से मिला लेती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। अम्मा गुड मॉर्निंग। ओके भाई, अम्मा किसी को नहीं बोलती इस घर में, सिर्फ मुझे गुड मॉर्निंग बोलती है, वही मेरे को भी नहीं बोलती, सिर्फ व्लॉग में बोलती है अम्मा। अरे आप भी तो ना गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो बेटा, पहले गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, वहां पे हाथ जोड़ो बेटा। ना हो पाएगा, किस पे गई है, अपनी बड़ी मम्मा पे, इसने तो नखरे करने ही है, इसी को तो नखरे करने ही है, इसको तो नखरे करने बड़ी मम्मा पे गई है। हाँ तो अच्छी आदत जो सब मेरे से गई है उसमें आजकल, मतलब क्या कहना चाह रही हो, चल 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 चल, मुंह लगाने का नतीजा, मुंह लगाने का नतीजा, क्या कर लियो दादाजी की हेल्प है, अच्छे से चमकाना गाड़ी, ठीक है ठीक है। तो इश्की कर रही है अपने दादाजी की हेल्प और यहाँ पे अम्मा और हमारे माँ मामी लगे हुए गप्पे मारने में हमारी अम्मा से। अम्मा हमेशा की तरह खेतों के काम में लगी हुई है, देखिए यहाँ पे दोबारा से धनिया वाला काम, हमारे खेत में बहुत धनिया हो रहा है, किसी को चाहिए तो ले जाएं, हो काम ही काम है। और किचन में जाते हैं तो यहाँ भी काम ही काम है, बाप रे इस घर में बहुत ही काम ही काम है, बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेके जवान से लेके काम ही काम काम, हर व्यक्ति आपको हमारे घर में काम करते हुए दिखाएगा, क्योंकि हमारे घर के लोग विश्वास करते हैं काम करने में, क्योंकि काम करके ही सेहत अच्छी बनी है। पानी ऑन कर दो, देखो पानी ऑन करो, और आप समझ गए तो ब्लॉगिंग करते ही मुझे काम पक्का मिलता है। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ अगेन किचन में, और किचन में आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है सोचिए सोचिए सोचिए, वो है टेस्टी सी पूरी, क्योंकि आज था हमारे बच्चों का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, क्योंकि आज उनका नया सेशन स्टार्ट हो गया है ना भाभी, इसीलिए भाभी ने बोला कि आज शुरुआत होगी उनके लंच में आलू और साथ में टेस्टी सी पूरी ना, फिर गेस्ट भी आए थे ना हमारे, हाँ उनको भी आलू पूरी खिलाना चाहिए, हाँ और इश्की भी फुल तैयार है, बोली मम्मा मैं भी पूरी बनाऊंगी, तो गेस्टों के लिए भी एक अच्छा खाना हो जाएगा और बच्चों के लंच के लिए भी अच्छा खाना हो जाएगा। और पर ना क्या हो, पूरी तो बन गई पर टेंशन भी हो रही है,
पूरी जो होती है ना ज्यादा खाई जाती है, ज्यादा खाई जाती है तो फिर वही वाला गाना आ जाता है, मेरा पेट मोटा हो रहा है मैं क्या करूँ, मेरा वजन बढ़ रहा है मैं क्या करूँ। तो उसका काम यह है कि आप ऑयली खाना कम करो, पर खाया कैसे रोके, यही तो प्रॉब्लम है। ये तो फीडिंग कराते हैं ना गाइस, इनका तो ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं खा सकते ज्यादा ऑयली खाना। फीडिंग में कराती तब भी पता नहीं मेरा वेट कैसे बढ़ जाता है यार, ये भी ना मुझे लगता है सर्च करना पड़ेगा, साइंटिस्टों को ना इसका भी उपचार निकालना कि एक माह फीडिंग कराते हुए भी उसका कैसे वजन बढ़ रहा है। तो गाइस और बढ़ जाता ना इससे, तो पहले मैं कितना खाती थी, फीडिंग करने के बाद मेरा वेट बढ़ रहा है, व्हाट आई डू। और खाती मेरे बराबर ही, ऐसा नहीं ज्यादा ही खाना खाती हूँ, ऐसा भी नहीं है, ज़्यादा खाना नहीं खा रही है। तो साहब मेरा खाना मत बताओ यार ब्लॉग में, बताऊंगी मैं, कभी मेरे फांसी लगा रही है, कभी मुझे बेलन से मार रही है, कुछ भी कर सकती है मेरे साथ गाइस। अगर मुझे फ्यूचर में कुछ हो जाए तो प्लीज आप सपोर्ट में इन्हीं को जेल के अंदर डालना। थैंक यू, डाल सकते हो। हमारी भाभी तो इतनी क्यूट है कि जो जेलर साहब होंगे वो भी बोलेंगे अरे मैडम रहने दो आप ना घर में रहो। कौन है, पापा है, अब पापा ही बोलेंगे है ही हमारी बुआरी इतनी क्यूट क्या करे। तो फ्रेंड्स ये है हमारे आलू के गुटके जो कि दिख रहे हैं बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी, मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट सबसे बेस्ट लगता है। और ये है हमारी इश्की के लिए दलिया, इसमें मैंने मिक्स किया है गाजर, ये देखिए गाजर, तो ये इश्की खाएगी साथ ही साथ आज मैं इनको भी खा दूंगी। आंखें कैसे दिखा रही है ना मेरे को, फिर आप बोल दो, बहुत आंखें दिखाती है मेरे को, बहुत डरा के रखती है। गाइस इसकी बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करना, बेचारे कहाँ करते हैं फिर वो। चलो जल्दी खा ले, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी ही हुई, ऐसा वाला डायलॉग तो बोलो, मैं तो ऐसी हुई, आई है, आई है, अब आती रहती है। तो आज आप अपनी बिटोली पहुंचाने के लिए आ रखी है, जो कि हमारे हैं, प्रणाम क्यों बोला फिर, प्रणाम बोला मैंने, भाई मैं बहुत संस्कारी हूँ यार, प्रणाम बोला मैंने, प्रणाम बोल दिया। तो आप, तो अप्पा की बिटोली आई, तो इस महीने में हर किसी की बिटोली आती है बेटियों के लिए। वैसे अम्मा अप्पा का मायका बगल में ही हुआ, बगल थोड़ा सा 5 कदम चढ़ो तो एक और मायका, थोड़ा सा 5 कदम चढ़ो तो एक और मायका, मायका 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 है ना। तो अप्पा लेके आई बड़ी अच्छी वाली मिठाई यार, यहाँ हमारे ताऊजी लोगों ने दिए टेस्टी सी मिठाई, और ये अंगूर भी पूरी है, पूरी आती है, पूरी नहीं बनाई, कल बनाएंगे पूरी, बुधवार को मकान भी डोल देंगे, बेटाओं को भी डोल देंगे, आपको भी डोल देंगे। हाँ क्या बात अप्पा, व्लॉग में हो गया है, कैमरा में कैद हो गया है, नहीं मिले तो बता देना आप। ये सीटी बात नहीं करने देती यार, पता चल जाएगा कल, कल मेरे दोस्तों कल मैं फिर से व्लॉग बनाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि कल हमारी दोबारा से आने वाली पिटोली, कल हमारी आने वाली पिटोली है। अब्बा सबूत है यहाँ पे, अब आप फिसल नहीं सकती हो। अप्पा ना एक बार कमिटमेंट कर देती ना, कर देती है भाई, जवान दे दी बस बात खत्म, अपने आप की सुनती है बंदा, मन दो चार तरीके का होता है ना, कहीं मन बोलता है कि ना, कहीं मन बोलता है हाँ, तो बोले नो No, बस जबान की सुनती मैं अपनी जबान की। बस कॉफियों की बाजार खोल रखी है, जो कॉफी किताब होते हैं आपको पता है, रिजल्ट भी आ चुका है, अब नई बुक्स और नोटबुक्स लाने का टाइम हो गया, तो अब छुट्टी करनी है पुरानी बुक्स और नोटबुक्स की, तो आज वही काम पे हम लगे हैं। तो हेयर इट इज, चल ये दिखाती हूँ मैं आपको, तो ये देखिए, तो भाभी सेलेक्ट कर रही है कौन से हमें देने हैं, कौन से जो बाद वाले बच्चे हैं उनके लिए बचाने हैं, जैसे इश्की है, भाग्यश्री है, तो जैसे जीके वगैरह की बुक्स। तो और ये हमारा कवर्ड है, ये देखिए मैं बताती हूँ, ये जो एरिया है ना ये है भाग्यश्री का, और ये जो एरिया है ये है जयश्री का। तो अब हम इसे करेंगे ऑर्गेनाइज, और आपको भी दिखाते हैं हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके भाभी आर यू रेडी, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिखाओ दिखाओ, भाभी ने ना नेल पेंट लगा रखी, छुपा ऐसे क्यों रही हो, इसकी जैसी ने लगाई गाइस, जैसी ने लगाई, मैं सोई थी हाथ में लगा रही थी, फू कर लो फू। तो
भाभी को फू करने देते हैं और हम लगते हैं काम में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं काम करती हूँ, ऊपर हो या नीचे मैं हर जगह काम करती हूँ। oh लोग मुझसे काम ही कराते रहते हैं। माय गॉड। क्योंकि बच्चों का ड्रॉअर सही देखना ना, नसीब वालों को ही मिलता है, नसीब वालों को ही। चल खोल भी दे। ओह माय गॉड। तो ये जो फर्स्ट वाला एम्प्टी इसीलिए ये खाली इसलिए क्योंकि इसमें नई नोटबुक्स और बुक्स आएंगी। और नीचे हमने रखा है स्टेशनरी का सामान और जो ना बुक्स हम इसके लिए यूज करेंगे, भाग्यश्री के लिए यूज करेंगे। मम्मी मम्मी मम्मी। तो यहाँ पे रख रहे हैं, इस ड्रॉअर में आएगा हमारा स्टेशनरी का सामान और यहाँ पे आएंगे जयश्री के कपड़े। तो ये तो पूरा जयश्री का था, ठीक है। अब भाग्यश्री पे, तो यहाँ पे है स्कूल बैग्स या अदर बैग्स और यहाँ पे भाग्यश्री के कपड़े आएंगे और नीचे नहीं क्या हुआ, गलत कंफ्यूज हो गई ना मैं। तो ये कपड़े हैं, ये जाएंगे बेड के अंदर और यहाँ पे आएंगे भाग्यश्री के नोटबुक्स बुक्स, यहाँ पे जयश्री के आएंगे बस, और यहाँ पे आएंगे कपड़े बस 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 बस। हमें हो रही है लेट तो इसीलिए हमने सारांश बता दिया, समरी बता दी ना भाभी। आई होप आपको बच्चों का ये ड्रॉअर पसंद आया हो। बिल्कुल भी पसंद आया तो कोई बात नहीं, दोबारा गंदा बच्चों का जो ड्रॉअर होता है हमेशा ही गंदा रहता है, कितनी बार भी सही कर लो कोई फर्क ना पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये बच्चे हैं क्योंकि खतरनाक प्राणी है क्या, हम बहुत ही प्यार हो। तो फ्रेंड्स शाम के ना 5 बज रहे हैं और मैं नीचे आ चुकी हूँ। नीचे ऐसे कहती हूँ जैसे कि कितने ऊपर से नीचे आ रही हूँ। क्या करें ना, हमारा बड़ा घर हुआ ना तो मैं ऊपर वाले मंजिले में रहती हूँ। तो यहाँ पे बैठी है भाभी और इसकी दूध पी रही है और अम्मा, सब वेट कर रहे हैं चाय का, कब ये ज्योति चाय बनाएगी और कब हमें पिलाएगी खाना। मैं चाय नहीं बनाऊँगी ना तो इस घर में बनेगी भी नहीं चाय। अब बोलेंगी भाभी कुछ यहाँ पे, थैंक गॉड कुछ बोला नहीं, मन तो ऐसा हो रहा उनका ऐसा कर रहा पर बोल नहीं पा रही है। और फ्रेंड्स हाँ एक और बात, आज हमारी मम्मी भी आ चुकी है और हमारी मम्मी हमारे लिए लेके आई फेवरेट 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 सबका फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट, ये है जलेबी। ये देखिए जलेबी और साथ ही साथ यहाँ पे चाय भी बन रही है जो कि मैंने ही बनाई थी, फ़ोन लेने के लिए ऊपर गई थी। और ना आज हमारी मम्मी लेके आई है अपनी भिटोली, उनके भाइयों ने दिए तो मम्मी ने ये मिठाई के डब्बे लेके आई है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स हम ना मिठाई वगैरह कल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब भी किसी बेटी की भिटोई आती है तो वो क्या करती है, आसपास के लोगों को मिठाई बांटती, एक तरफ से अपनी खुशियाँ बांटती कि मेरे मायके से इतनी सारी चीज़ें आई है मेरे लिए, तो एक तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करना अपनी खुशियों को, ठीक है। तो अब मैं दे देती हूँ सबको चाय। ओके आप देख रहे हैं कि आज है मंगलवार और मंगलवार की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखा देती हूँ कि ना सब लोग मिलकर कैसे पूजा कर रहे हैं मंगलवार की पूजा। तो चलिए चलते हैं अंदर। ओके चलिए मेरे साथ। आज हमारे साथ मामी भी आई है मंगलवार की पूजा के लिए। तो हम सब बैठे हुए हैं मंदिर में और पूजा स्टार्ट हो चुकी है, अब हम भी जाएंगे अंदर। तो भाभी लगी हुई है अभी मामी के साथ गप्पे मारने में, अभी तक मैं भी गप्पे मार रही थी बट हम चलेंगे अंदर क्योंकि अंदर हो चुकी है पूजा स्टार्ट और आज हमारे पापा का भी फास्ट है।
अभी है शाम का समय, मतलब रात का समय, और हम आ चुके हैं किचन में डिनर बनाने के लिए। तो मैं काट रही हूँ कैबेज की सब्जी, उसमें मैं डालूंगी मटर, साथ ही साथ अनियन कट हो चुके हैं, और भाभी ने ना आटा गूंद लिया है। इसके बाद भाभी रोटी बनाएगी, और साथ ही साथ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए हम बना रहे हैं पॉपकॉर्न, क्योंकि ना अभी हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे पहले ना बच्चों को ना पेट भरना उनका जरूरी है, क्योंकि फिर हम आएंगे 9 बजे और अभी 7 बजे, तो मतलब हम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उससे पहले ना बच्चों को भूख लग जाती, तो उनका पेट भर के हम उन्हें पढ़ाएंगे, ताकि ना 9 बजे तक उनका अच्छे से ध्यान लगे पढ़ाई में। अरे पढ़ाई करने के लिए मेन है एनर्जी होना, अब खाली पेट तो भजन भी नहीं होते, तो पढ़ाई क्या होगी। तो भाभी ने बच्चों को दे दिए पॉपकॉर्न आधे आधे, भाभी देखिए भाभी सबको देने जा रही है बाहर पॉपकॉर्न, मम्मी को पापा को सबको पॉपकॉर्न दे रही है बस। तो अब मैं जल्दी से लगा लेती हूँ सब्जी। कैसा लगा पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न? इसने खाया, मैं तो खाया नहीं खाया। वैसे भी क्या अच्छा लगता है, पॉपकॉर्न तो टेस्टी होता है ना। ओ फ्रेंड्स, खाना पीना भी सब हो चुका है, अब बारी है सोने की। आई होप आपको आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया हो, क्योंकि मेरे को तो पसंद ही आता है, आपको पसंद आना ही चाहिए। ओके, नी भी आ रहा है तो आप देखिए, इंजॉय करिए, कुछ बोलिए, कमेंट करिए। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए रब्बा खैर, बाय बाय।